हेलो गाइस, मैं मुसीबुल, आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगांतो धारा। इस वीडियो में बताने वाला हो कतर का फ्लाइट का लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बहुत सारे भाई ने कमेंट किया है कतर का फ्लाइट चालू है कि बंद है। बहुत सारे भाई का अभी तक टिकट नहीं हो रहा है, इसीलिए बहुत सारे भाई ने कॉमेंट कर रहे हैं कतर का फ्लाइट सच में बंद हो गया क्या। इस वीडियो आप लोग को फुली डिटेल्स बताऊंगा। अगर कतर का फ्लाइट चालू है तो आपको टिकट क्यों नहीं मिल रहा है, वो भी इस वीडियो आप लोग को बताऊंगा। वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा। अभी तक ऐसा कोई न्यूज नहीं आया है जो इंडिया से कतर का फ्लाइट पूरा क्लोज हो गया है, पूरा बंद हो गया है। तो कतर का फ्लाइट चालू है तो आप लोगों के लिए मुश्किल क्यों हो रहा है, देखिए अभी टिकट क्यों नहीं मिल रहा। टिकट मिलने से पहले आपको बहुत सारे चीज आपको फॉलो करना है, उसके बाद ही आपको टिकट का परमिशन मिलेगा। टिकट आपको मिल जाएगा, टिकट मिलने के बाद फिर भी आपको कैंसिल करना पड़ सकते हैं। फ्लाइट में आप चढ़ेंगे उससे पहले बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है पूरा पूरा तैयार करना है, पूरा आपको जुगाड़ करना है। जुगाड़ करने के बाद यात्रा में जाने के बहुत सारे आपको गाइडलाइन फॉलो करने के बाद ही आप कतर में जा पाएंगे। तो वो कौन सा गाइडलाइन है, कतर का फ्लाइट तो चालू है, लेकिन फ्लाइट चालू है लेकिन फ्लाइट में आपको चढ़ने से पहले बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, देखिए रैपिड टेस्ट चाहिए, पीसीआर टेस्ट का नेगेटिव सर्टिफिकेट चाहिए, और इंडिया से जा रहे हैं तो इंडिया का जो वैक्सीन आपको कौन सा वैक्सीन लगाया है पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना पड़ेगा। कतर का जो यात्रा जैप है उसमें पहले से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, वो रजिस्टर करने के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए कितना सारे आपको कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद आप कतर में जा सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। तो बहुत सारे भाई का ऐसा ही कॉमेंट है का वीसा मिल गया है, वीसा मिल गया, दो महीना हो गया लेकिन अभी तक टिकट नहीं हुआ है। तो टिकट क्यों नहीं हुआ, इसके लिए टिकट नहीं हो रहा है, और एजेंट अगर एजेंट चाहेगा तो ये जो ऐसा जो डॉक्यूमेंट्स आपको जल्दी जुगाड़ कर सकते हैं, ऐसा डॉक्यूमेंट जल्दी जुगाड़ करके आप कतर में जा सकते हैं। एजेंट के साथ बात करके पूरा फाइनल कर लीजिए क्यों आपको टिकट नहीं हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी आप एजेंट से जानकर ले सकते हैं। तो उम्मीद करता आप लोग को जानकारी मिल गया है, कतर का फ्लाइट बंद नहीं है, कतर का फ्लाइट चालू है लेकिन आपको टिकट मिलने में टिकट आपको मिल रहा है लेकिन आपको टिकट मिलने से पहले आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको जुगाड़ करके टिकट काटना है, इसीलिए आपको जाने के लिए मुश्किल हो रहा है। तो उम्मीद करता आप लोग जानकारी मिल गया है, अगर थोड़ा सा जानकारी थोड़ा सा अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा।